इंदौर महापौर और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने हो गए। महापौर मालिनी गौड़ ने फौजिया शेख अलीम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि फौजिया शेख अलीम पैसों के लिए ट्रांसफर करवाने और रुकवाने का काम करती हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही आचार संहिता लग चुकी हो, लेकिन इंदौर के स्थानीय नेताओं के बीच छिड़ चुकी जुबानी जंग अभी भी बदस्तूर जारी है। इंदौर के नंबर वन के क्रेडिट को लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर स्वच्छता में मिले अवार्ड का श्रेय लेने और अधिकारियों को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, वहीं अब महापौर मालिनी गौड़ ने भी पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष के दिल्ली में हुए स्वच्छता के आयोजन में अवार्ड लेने पर विरोध जताया। महापौर का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष किस लिए अवार्ड लेने गई थी, क्योंकि उनके द्वारा शहर में कोई भी काम स्वच्छता को लेकर नहीं किया गया है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का और मंत्री जयवर्धन सिंह का कोई हक नहीं बनता अवार्ड पर। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तबादले करने और निगम की नेता प्रतिपक्ष और उनके पति पर पैसों के लिए तबादले करवाने और रुकवाने का काम करने का आरोप लगाया। वो खुद स्वयं भी तो गई थी प्रोजेक्ट, वो किस लिए गई थी? उनसे प्रश्न करना था आपको। पूरे शहर का गौरव बढ़ा, विश्व मंच पर इंदौर का नाम हुआ, और चूंकि उन्होंने कुछ काम धाम करा नहीं, मंत्री जी और उन्होंने क्या काम किया है विपक्ष की नेता ने, और अवार्ड लेने चली गई तो किस लिए गई थी? वो सफाई कर्मियों को ले जाती, तो उनको कुछ भी चाहिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी टिप्पणी करने के लिए चाहिए, कुछ काम नहीं है उनके। मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनी है कई सारे ट्रांसफर शेख अलीम जी और फौजिया शेख के इशारों पर हुए हैं। लगातार एक दिन ट्रांसफर होते हैं, दूसरे दिन स्थगित हो जाते हैं, पैसे का लेन देन तगड़ा चल रहा है, और लगातार कांग्रेस की सरकार पूरी फेल्यूवर हुई है। 75 दिन में कोई काम नहीं किए। जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, उसकी आके घोषणा कर दी। शेय लेने का तो काम वो कर रहे हैं, जितने काम भारतीय जनता पार्टी में हुए उनका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, और तबादला उद्योग बना रखा है। लगातार ट्रांसफर का काम चल रहा है, पैसों का उद्योग चल रहा है। तो विपक्ष की नेता बताएं कि ये क्या चल रहा है, और खुद अवार्ड लेने क्यों गई थी, पहले तो प्रश्न उनसे है। वहीं लोकसभा चुनाव में इंदौर की सीट से भाजपा के प्रत्याशी को लेकर भी उन्होंने सभी निर्णय पार्टी और संगठन स्तर पर होने की बात कही और कहा कि पार्टी संगठन के निर्देश पर हम काम करते हैं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको मानकर काम किया जाएगा। पार्टी संगठन के जो भी निर्देश होंगे उस पर हम लोग काम करते हैं, और लगातार जो भी कार्य आ रहे हैं हमारे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम सभी वो कार्य कर रहे हैं, और आगामी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है तो उसका परिणाम देखने मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इंदौर नगर निगम में भाजपा की सरकार है, लिहाजा निगम में महापौर और नेता प्रतिपक्ष में लगातार टकराव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।